कि भ्रष्टाचार पर जो आपने हमला किया है उसको जारी रखिए और इस देश से भ्रष्टाचारियों को समाप्त करने का काम करिए। इसके लिए इस देश की जनता ने दिया है। अर्थव्यवस्था में सुधार के जो कार्यक्रम आपने चलाए हैं उस कार्यक्रम को चलाए रखिए और देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करिए। इसके लिए देश की जनता ने मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए अपना बहुमत दिया है। मोदी जी को गरीबों की सेवा करने के लिए जो उनके कार्यक्रम चलते रहे उस कार्यक्रम पर मुहर लगाया, देश की जनता ने इनको रिजेक्ट किया, इनको अस्वीकार किया। इसलिए मोदी जी को जो तीसरा कार्यकाल मिला है वो विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है उस पर आगे बढ़ने के लिए देश की जनता ने मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए अपना मुहर लगाना और अपनी स्वीकृति दी है। लेकिन सभापति महोदय 1971 का चुनाव हो रहा था। 1971 में इस देश में एक चुनाव हुआ था और उस देश में कांग्रेस पार्टी का नारा था गरीबी हटाओ देश बचाओ। जनता ने भरोसा कर लिया, जनता ने इन पर भरोसा किया, 1971 में इनको पूर्ण बहुमत से सरकार दिया। लेकिन 3 साल के बाद 1974 में इस देश में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज तक के आजाद भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ, क्योंकि इन्होंने जनता से किए गए वादे को नहीं निभाया। और जब इनको लगा 1974 में जन आंदोलन जब चरम पर पहुंचा और जब चरम पर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जब रायबरेली से श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया तो रातों रात देश में इमरजेंसी लागू हो गया। हम सब उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मुझको याद है, मैंने देखा है, आपातकाल लागू हुआ। आपातकाल लागू होने के बाद क्या हुआ, सारे संवैधानिक और देश की जनता का जो फंडामेंटल राइट था वह राइट बंद कर दिया गया। किसी को बोलने का हक नहीं था, किसी को चिल्लाने का हक नहीं था, किसी को कुछ भी एक शब्द बोलने का, प्रेस की आजादी पर लगा दिया गया। हम सब लोग उठा के जेल में बंद कर दिए गए। मैं भी रहा हूं जेल में उठा के बंद कर दिया गया। और सभापति महोदय, आज जब आ रहे थे, जब इस सदन का जब पहला दिन का सत्र था तो संविधान का किताब लेके कांग्रेस पार्टी के लोग आ रहे थे। आज भी नेता विपक्ष बोल रहे थे संविधान की जय हो। अरे जिस व्यक्ति ने और जिस पार्टी ने इस देश के संविधान का धज्जी उड़ाया हो, जिस पार्टी ने इस देश के संविधान को चकनाचूर किया हो, जिस पार्टी ने इस देश के संविधान को कलंकित किया हो, उसको संविधान लेके सदन में आने का क्या हक है और संविधान की बात करने का क्या हक है? उनको कोई हक नहीं है संविधान के बारे में चर्चा करने का। सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं को, संविधान को समाप्त करने का काम किया है। पूरा इमरजेंसी इसका गवाह है। किसी को कोई साहस नहीं था, कहीं नहीं। और यह सत्य है। और सत्य सुनने की आदत डालिए, सत्य जानिए, सच्चाई। इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो आपातकाल कलंकित करने का वाला काला अध्याय के रूप में संविधान में लिखा जाएगा। ये बात है। आप बहुत चर्चा कर रहे थे, बहुत चर्चा कर। आप मत बोलिए ना, आप भी, आपका पार्टी का नेता भी वही थी, इमरजेंसी के समर्थन में थी। ममता बनर्जी भी उसमें कांग्रेस पार्टी में थी
और इमरजेंसी का समर्थन कर रही थी। आप मत बोलिए सौगत राय साहब, हम लोग भुगते हैं, हम लोग ने पीड़ा सही है, हम लोग को दर्द मालूम है, इसलिए आप भी चले जाइए, दो चार बार बन जाइएगा बंगाल में, चिंता मत करिए। अभी तो खाली कानून का किताब लेके खड़ा हो जा रहे हैं, इसलिए खाली टिकट आपको दे के लोकसभा का मेंबर बना दिया जा रहा है, तो इसलिए खाली संविधान पढ़ते रहिए, संविधान दिखाते रहिए। संविधान से कोई लेना देना आप लोगों का है नहीं, संविधान से कोई मतलब आप लोगों का है। और कई पार्टियां हैं, कई पार्टियां हैं इस सदन में, वो भी लेके आए संविधान की प्रति, साथ में लेके आए, डीएमके पार्टी या आपको समाजवादी पार्टी। खैर, समाजवादी पार्टी और डीएमके पार्टी को संविधान लेके सदन में आने का हक है, इसलिए कि मुझको याद है कि जब इमरजेंसी लागू हुआ तमिलनाडु में श्री करुणानिधि साहब के नेतृत्व में सरकार थी, और इस कांग्रेस पार्टी ने करुणानिधि के सरकार को बर्खास्त कर दिया और सबको उठा के जेल में बंद कर देने का काम किया। लेकिन आज डीएमके के लोगों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को कि मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ संविधान का लेके चले, लेकिन घूमिए, साथ रहिए जरूर, लेकिन संविधान को ध्वस्त करने वाले पार्टी का समर्थन मत कीजिए, यह हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक बात, अरे जदयू का बात काहे के लिए करेंगे, देश का बात कर रहे हैं। तो आपका नेता तो भाषण कर रहा था मंच वाला, पॉलिटिकल भाषण कर रहा था, जैसे लगता है कि पब्लिक मीटिंग में बोल रहा हो, आप वही सार रहे हो। इस देश में जॉर्ज फर्नांडिस एक नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस एक ऐसा नेता था जिससे जिसकी देशभक्ति रोम रोम में भरी हुई थी। इमरजेंसी के दौरान जॉर्ज फर्नांडिस को कितना कलंकित करने का काम, प्रताड़ित करने का काम और अपमानित करने का काम इन लोगों ने किया, और ये संविधान की बात कर रहे हैं, ये संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है हम लोग। तो इसलिए संविधान की बात तो मत करिए, और खास करके नेता विरोधी दल का परिवार को कौन संविधान की बात करने का हक है? नेता विरोधी दल का परिवार संविधान विरोधी है, काला अध्याय में आपके परिवार का इतिहास लिखा जाएगा, इस देश के इतिहास, इसलिए आप करिए। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने इस देश की चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, इस देश की चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, ऐसा घूम घूम के प्रचार करते रहे जैसे लगता है कि देश में चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं रहा। पूरे दुनिया में देश को कलंकित करने का काम इन लोगों ने किया, बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट जाते रहे चुनाव आयोग को और ईवीएम मशीन को चुनौती देने के लिए, और इनको, और अगर ईवीएम खराब है तो सौगत राय जी, ममता दीदी का सरकार बंगाल में कैसे बन गया, हिमाचल में आपकी सरकार कैसे बन गई, कर्नाटक में आपकी सरकार कैसे बन गई, तेलंगाना में आपकी सरकार कैसे बन गई, अगर ईवीएम खराब है तो, जब आपको मिल जाए तो बड़ा आनंद में, और जब हारने का बारी आए तो ऐसा शो करिए कि जैसे लगता है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, बेईमानी से कोई जीत रहा है। अरे देश की जनता कभी आप पर भरोसा नहीं करेगी। बैलेट पेपर जब चुनाव होता था हम लोगों ने देखा, बैलेट पेपर से जो चुनाव होता है हम लोगों ने देखा, एक एक थाक का थाक बैलेट बॉक्स से बैलेट पेपर निकलता था, थाक का थाक, जिस पर कोई वोटर का दस्तखत नहीं, कुछ नहीं, और उसी की गिनती होती थी, और यही प्रक्रिया आप चलाते रहे और सत्ता का आनंद लेते रहे, देश के संविधान का धज्जी उड़ाते रहे, वही आज भी चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसको कभी स्वीकार नहीं करेगी, इस देश की जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी जी पर है, तो इसलिए आप इस पर चिंता मत कीजिए। और इसके साथ साथ
मैं आपको, और याद है ना, आपने देखा था, अभी बोल भी रहे थे, कोई स्पीकर बोल रहे थे, आप मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। कौन से संविधान की धज्जी उड़ा रहे? अरे मोदी जी तो जिस दिन एनडीए की बैठक थी, इस बार तीसरे कार्यकाल में भी, तो मोदी जी जब संविधान सभा के सेंट्रल हॉल में आए तो सबसे पहले उन्होंने जाके देश के संविधान का नमन किया। और जिस व्यक्ति ने देश की संविधान का नमन करके अपने नेतृत्व पर और देश की बागडोर संभाली हो, उससे संविधान को खतरा नहीं है। संविधान को खतरा है तो आपसे